नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन श्री संतोष कुमार सिंह ने मंगलवार को स्थानीय पुलिस लाइन नागझरी स्थित परेड ग्राउंड पर वार्षिक निरीक्षण करते हुए परेड की सलामी ली। इसके पश्चात बलवा अश्रु गैस वाहनों का निरीक्षण करने के साथ ही विभिन्न शाखाओं का भी निरीक्षण करते हुए संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सतेंद्र कुमार शुक्ल, आईपीएस डॉक्टर रविन्द्र वर्मा, सिटी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आकाश भूरिया, डीएसपी अरविंद तिवारी, सीएसपी वंदना चौहान, आरआई जयप्रकाश आर्य, महिला थाना प्रभारी रेखा वर्मा, चिमनगंज थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, महाकाल थाना प्रभारी मुनेन्द्र गौतम, माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा सहित विभिन्न थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी व पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वार्षिक निरीक्षण में आज जो रक्षित केंद्र होता है वहाँ पे परेड का निरीक्षण किया गया और अभी रक्षित केंद्र की व्यवस्थाओं के संबंध में उनका जैसे मोटर परिवहन का जो इकाई होती है वाटर गार्ड इत्यादि को देखा गया। सर, क्या किस तरह का निरीक्षण था और आगे आप क्या निर्देश दिए गए? इसमें जैसा होता है कि हमारी पुलिसिंग में कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन और फोर्स को पहुँचाने के लिए रक्षित केंद्र का आरआई जिसके इंचार्ज होते हैं उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अनुशासन से लेके दिन प्रतिदिन के अभ्यासों से लेके सारी चीज़ें रक्षित केंद्र से संबंधित होती उन्हीं का अवलोकन किया गया। व्यवस्थाएँ फिलहाल संतोषजनक पाई गई। अभी हम अपने अधिकारी कर्मचारियों से एक सम्मेलन कर रहे हैं, वहाँ उनकी उनकी समस्याएँ अगर कोई होंगी व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर तो उसके संबंध में भी चर्चा की जाएगी। उनको अपनी ड्यूटीज़ के दौरान या कार्य करने के दौरान उनके घर परिवार से संबंधित कोई समस्या है उसका भी निराकरण करने का प्रयास किया जाए।